तो सर जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल आपको इनकमिंग कॉल्स रिसीव करने के लिए भी रिचार्जेस करवाने होते हैं, मीन्स अब जितने भी रिचार्जेस आज के मार्केट पर उन पर वैलिडिटी भी लग गई है। तो क्या ये सब कुछ सही है और ऐसा कंपनीज क्यों कर रही हैं, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आज आप वीडियो पूरा तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय तिवारी और आप सभी देख रहे हो इंडिया टेक। तो सर सारी कंपनीज ने लॉन्च कर दी है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो सब ने लॉन्च कर दिया है ये रिचार्ज। मीन्स 35 रुपए का हर महीने रिचार्ज एट मिनिमम करवाओ ही करवाओ, तभी आप लोग इनकमिंग और आउटगोइंग की सुविधा उठा पाओगे। आउटगोइंग की सुविधा तो पहले भी रिचार्ज करवाने के बाद ही आप उठा सकते थे, पर अब आप लोग सिर्फ तभी उठा सकते हो सुविधा इनकमिंग की जब आपके फ़ोन में रिचार्ज होगा। अब जो रिचार्जेस दे रही कंपनीज ये वैलिडिटी का दे रही है, मीन्स अब इन पर वैलिडिटी है 28 दिन की, 28 दिन की वैलिडिटी है। आप 28 दिन तक ही इन सबको यूज़ कर पाओगे। 35 का रिचार्ज है, 65 का रिचार्ज है, 95 का रिचार्ज है। 23 रुपए का रिचार्ज सिर्फ एयरटेल ने लागू किया है और उसके बारे में क्या है वो अभी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो पर बताऊंगा। और एयरटेल ने ही सिर्फ 23 का रिचार्ज दिया है, बाकी सब ने 35। और ये सब इसलिए किया गया है, मीन्स सब ने ये सारी चीज़ें की हैं, किसी ने अलग अलग नहीं किया है। ऐसा इसलिए किया गया है जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो कि बाकी सारी कंपनीज भी हैं, तो आप लोग ये ना सोचो कि हमने यार एयरटेल ही लागू किया तो हम लोग आइडिया के पास चलेंगे या फिर वोडाफोन के पास चलेंगे। सब ने ये चीज़ लागू की है, तो अब जब सब ने लागू कर दी तो आप लोग किसी कंपनी से ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा दे रहा है ये ख़राब दे रहा है ये सब कुछ। अब एक कंपनी दूसरी तरफ ना जा पाओ, आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं जो कि जियो और BSNL। सिर्फ यही दोनों ऑप्शन लेफ्ट रह गए क्योंकि BSNL 6 महीने की वैलिडिटी दे रहा है 36 रुपये में, और बाकी सारे क्या कर रहे हैं 35 रुपये लेकर के आपको थोड़ा बहुत 26 रुपये के आसपास का टॉक टाइम दे देते हैं और थोड़ा बहुत डेटा दे देते हैं यूज़ करने के लिए, और वो भी सिर्फ 28 दिन के लिए होता है। टॉक टाइम भी 28 दिन तक ही चलता है वरना फिर एक्सपायर हो जाता है। तो इस पर भी वैलिडिटी देख करके रखी हुई आपकी टॉक टाइम पर, पहले टॉक टाइम पर कभी भी वैलिडिटी नहीं होती थी पर अब टॉक टाइम पर भी आपको वैलिडिटी देखने के लिए मिलती है। सबसे ख़राब चीज़ तो मुझे यही देखने के लिए मिली कि टॉक टाइम पर वैलिडिटी दे दी गई है, पहले तो टॉक टाइम पर वैलिडिटी नहीं होती थी। और हाँ, टैरिफ रेट्स इतने बढ़ा दिए हैं कि आपको इतना जो टॉक टाइम दे भी रहे हैं वो भी जल्दी से खत्म हो जाए, इसलिए टैरिफ रेट्स भी बढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग 35 रुपये करवाते हो तो उस पर 1.05 रुपये के आसपास आपको एक कॉल पड़ेगी अगर आप लोग 35 साल करवाते हो, क्योंकि उस पर टैरिफ रेट ठीक है। और अगर इससे ऊपर का करवाते हो 95 या फिर 65 का, तो उस पर 1 पैसे पर सेकेंड कॉल पड़ेगी। तो अब ये तो देखने वाली बात है कि आपको कितना किस पर देना होगा और आपको किस पर रिचार्ज करवाना है या फिर किस पर नहीं। तो मेरे हिसाब से तो यार देखो BSNL पर अपना सिम पोर्ट करवा लो, क्योंकि वो लोग 6 महीने की वैलिडिटी दे रहे हैं 36 रुपये में। और एयरटेल ने क्या किया है, एयरटेल ने सिर्फ 23 रुपये का रिचार्ज लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 23 रुपये में सिर्फ 28 दिन और वैलिडिटी बढ़ाएगा। और ऐसा सिर्फ पता है क्यों किया गया है, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल रहा था जब से जियो आ गया था मार्केट पर, क्योंकि इनके जितने भी यूजर्स थे सारे डेड होते जा रहे थे, सारे इनएक्टिव होते जा रहे थे, वो रिचार्जेस नहीं करवा रहे थे और थोड़ा बहुत कभी 10-20 का करवा लिया, पर अब वो 10-20 का इन लोगों ने काम ही खत्म कर दिया। इन लोगों ने कहा है कि अब यही वाला रिचार्जेस करवाओ और एक कंपलसरी हो गया लोगों करवाना। आप लोग खुद एक बार सोच करके देखो कि आप लोग को ये रिचार्जेस क्यों करवाने, कुछ नहीं करना है आपको, उनकी ज़रूरत है भी नहीं। सिर्फ आउटगोइंग का पैसा लगता था, आउटगोइंग का हम लोग पैसा जब दे रहे भी रहे थे काफ़ी सारे लोग, पर फिर भी अब जैसे कि इन लोगों को नुकसान हो रहा था, इन लोगों के अब खर्चे उतने अच्छे से नहीं चल रहे थे जो जितना मुझे ये लोग पहले उठा रहे थे। मीन्स पहले 1 GB की कॉस्ट इन लोग 250 रुपये के आसपास लेते थे, जब से जियो आ गया तो इन लोगों को लगभग 400 रुपये में 84 दिन तक वही देना पड़ रहा था बार बार, डेली 1 GB। तो अब से लोग कितना बड़ा फर्क आ चुका था, वो भी 4G डेटा, पहले लोग तो 3G दे रहे थे। काफ़ी सारा चेंजमेंट आ चुका था, इन लोगों को लॉस होता ही जा रहा था। तो इन लोगों ने अभी नया तरीका निकाला है, इससे काफ़ी सारे मूव भी होते जा रहे हैं जियो और BSNL की तरफ, पर फिर भी यार ये मेरे हिसाब से नहीं सही है। मीन्स आप लोग खुद सोच लो कि एक तरीके से ऐसा एग्जाम्पल है कि आपने एक दुकान खोल करके रखी हुई है, आपके बगल में कोई दूसरी दुकान खुल गई, वो अच्छी चलने लगी, आपसे सस्ते में वो कुछ दे रहा है, आपने अपने रेट्स कम तो किए पर उतने ज़्यादा नहीं कम किए, थोड़े ही बहुत कम किए, पर फिर भी लोग उसकी तरफ जाने लगे और आपकी तरफ कम आ रहे थे। तो आप लोगों ने क्या किया कि अब आपका लॉस हो रहा, तो आपने ये कर दिया कि अब कोई हमारी दुकान पर आएगा तो हम उसको हमारे दुकान में जो पानी रखा है वो पीने का भी हम पैसा लेने लगेंगे, या फिर जो हवा है हमारी दुकान की वो अगर कोई सांस लेगा तो हम उसका पैसा लेने लगेंगे। तो क्या ऐसा होना चाहिए? मीन्स आप अपनी दुकान पर भी आने का पैसा लेने लगो, ये तो होता नहीं ना। ये तो इनकमिंग कॉल्स का पैसा, इनकमिंग कॉल्स का भी पैसा दो और जो आउटगोइंग कॉल्स कर रहे हैं उसका पैसा दो, जबकि आपको आउटगोइंग कॉल्स का तो कोई पैसा दे ही रहा है ना, ये वन साइडेड तो होता नहीं ना। अब इसे डुअल साइडेड पैसा लिया जा रहा है, जो इनकमिंग कॉल रिसीव करेगा वो भी पैसा देगा, जो आउटगोइंग कॉल करेगा वो भी पैसा देगा।
तो जब दोनों तरफ से आपको पैसा ही लेना, आपको पैसा ही कमाना है, तो फिर यार आप कोई और बिजनेस कर लो जब आपको नहीं जम रहा है इस पर। पर फिर भी यार आप, ये तो कस्टमर्स को लूटने का प्लान हो गया ना पूरा इस पर। बहुत सारे लोग जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा, जो अभी तक 10 रुपये 20 रुपये वो बेचारे 6 महीने चलाते थे अपने, उनके बेटे, बहुत सारे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे कॉल करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं तो वो अपने से कॉल कर रहे हैं, उनके में तो थोड़ा बहुत बैलेंस पड़ा हुआ है कि उनका सिम इनएक्टिव ना हो। पर फिर भी अब आप लोगों ने ये सब कुछ जारी कर दिया है तो अब उनको तो काफ़ी सारी दिक्कतें होने लगी ना। अब उनको डेली हर महीने उनको दुकान पर जा करके रिचार्ज करवाना है, और फिर ये फालतू का एक खर्चा आप लोगों ने ऐड करवाया है और कुछ नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं सही है। और आप लोगों को BSNL या जियो पर मूव पर जाना चाहिए। इन पर रिचार्ज करवा रहे हो तो फिर करवाते रहो, 35 रुपये बहुत सारे रिचार्जेस हैं। अगर 98 का रिचार्ज करवा सकते हो तो फिर जियो पर भी जा सकते हो, और इनके खुद के भी अच्छे अच्छे और भी प्लान्स हैं। पर अगर यार ये करवाना है तो फिर नहीं जमता है। वो बटन वाले फ़ोन जिन लोगों के पास है उन्हीं लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आप लोग अगर बटन वाले फ़ोन दे करके जियो फ़ोन लेना चाहते हो तो 1100 रुपये में वो भी कर सकते हो। 6 महीने का आपको रिचार्ज उस पर फ्री देखने के लिए मिलता है। अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या करवाना है, आपको क्या सही लगता है। मेरे हिसाब से तो जियो और BSNL ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ लूटने का भी प्लान बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं तो आपको अपने अगले वीडियो में